सबको जय यीशु की। फिर से एक बार आपके सामने प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रार्थना भवन चैनल के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग इस वक्त इस चैनल के माध्यम से इस प्रेजन वर्शिप में भाग ले रहे हैं, वह कृपया हमारे साथ गाएं। संत अगस्टीन हमसे कहता है, हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति गाकर स्तुति करता है वो दुगनी प्रार्थना करता है। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है अपनी महिमा करने के लिए। इन गीतों भजनों के माध्यम से प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, आत्मा से, मुख से प्रभु की महिमा हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ, इसी भक्ति के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग, जितने लोग भी प्रेजन वर्शिप देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ गाएं और प्रभु की स्तुति करें। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इन सुंदर क्षणों के लिए धन्यवाद, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन भाइयों और बहनों के लिए जिनके साथ हम उपस्थित हुए तेरी आराधना करने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु इन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं। रब की होवे मदस राई, रब की होवे मदस राई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रभु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है वो फल उत्पन्न करती है। मेरा पिता बागवान है, जैसे बागवान सूखी डालियों को काटकर आग में झोंकता है, वैसे ही हम लोग भी अगर सूख जाते हैं, जीवन हमारा मिट जाता है, खत्म हो जाता है, सूखी डालियों के समान हम बन जाते हैं। यदि हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो फल उत्पन्न करते हैं। आइए प्रभु से, इस गीत के माध्यम से प्रभु से याचना करें, प्रार्थना करें कि वो हमें अपने साथ जुड़े रहने की कृपा दे। रब के घर में होवे सिताएश, रब के घर में होवे सिताएश, उसकी हम दो सना, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा।
हमेशा रब की होवे सना। राजा दाऊद अपने पूरे शान शौकत से विधान की मंजूषा के आगे आगे चलता था, वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए और झांझ की ध्वनि के साथ वो प्रभु का स्वागत करता था, नाचते गाते हुए प्रभु की वो स्तुति करता था। उसी भक्ति के साथ हम लोग भी प्रभु की आराधना और स्तुति करें। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आत्मा से, पूरे तन से, पूरे मन से तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा जलाल और सारी महिमा आदि से लेकर अनंत काल तक उसकी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसे ये महिमा दें। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तबले बजा, जब और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, दाहिना हाथ उठाकर रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दोनों हाथों को खोले, दोनों हाथों को खुला छोड़े, अपनी हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु का सामर्थ्य मांगे। हमको
शक्ति तो है मुक्ति, तू है आत्मा सृजन आ, तू है शक्ति तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजन आ। शांति तू है आनंद, तू है आत्मा पालनहार, तू है शांति तू है आनंद, तू है आत्मा पालनहार। आओ पावनाते मां चंगाई, तू है जीवन, तू है आत्मा प्रेमी दाता, तू है चंगाई तू है जीवन, तू है आत्मा प्रेमी दाता। स्पर्श को अनुभव करें। प्रभु इस वक्त हमें छू रहा है, वो अपनी अपार महिमा में, अपार आनंद में हमें चंगा करना चाहता है, अपने प्रेम से हमें ओत प्रोत करना चाहता है, अपने लहू से हमारा अभिषेक करना चाहता है। इस वक्त आप जहां कहीं भी खड़े हैं, प्रभु का आत्मा उस जगह पर नियंत्रण लेवे। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घरों की चार दीवारी को अपनी निगरानी में रखें। हर एक प्रकार की दुरात्मा शक्तियां, अंधकार की शक्तियां प्रभु के क्रूस के नीचे चलकर राख हो जाएं। हमारे होठों से, हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से प्रभु की महिमा इस वक्त हो जाए। यदि किसी को कोई बीमारी है, रोग है, दुख है, जीवन में निराशा है, बिगड़े काम बनते नहीं है, इस वक्त महसूस करें कि प्रभु आपके बिगड़े कामों को बनाना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको हर उस बुराई से छुटकारा दिलाना चाहता है। महसूस करें, अंगीकार करें अपने जीवन में इस वक्त, इस क्षण आप महसूस करें पवित्र आत्मा की गर्माहट, पवित्र आत्मा का वो प्यार, पवित्र आत्मा की वो आग इस वक्त आप अपने जीवन में,
इस वक्त अपने शरीर में, परिवार में महसूस करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र कहीं हजार दिन बिताने से अच्छा है। इसलिए ये समा, ये क्षण आशीषों के क्षण है, बरकतों के क्षण है। प्रभु कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में हमें याद दिलाता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दरबार, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियां हमारे जीवन में हमेशा प्रथम स्थान पर रहें और प्रभु हमें प्रथम स्थान पर रखेगा। उसके वचन, उसकी शिक्षा हमारे पांवों का दीपक है, हमारे पांवों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पूरे हृदय से महिमा दें, उसके दरबार में हमेशा उपस्थित होकर उसकी महिमा करें। लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे सब उसके दरबार में आते थे और चंगाई पाते थे। उसने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को अच्छा किया, चलना सिखाया, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। प्रभु कहता है कि यदि तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। निवेदन करने वालों को प्रभु चंगा क्यों नहीं करेगा। जो उसके पास आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए आइए पूरे तन से, पूरे मन से उसकी महिमा करते हुए इस गीत को हम गाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन में उसका दरबार, उसका घर, उसका मंदिर हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। दरबार में कौन कौन आए, दरबार में कौन कौन आए,
यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अरे भाई, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अंधे लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगत है, अंधे लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा 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 लगत है। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है। कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अरे भाई, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, मूरख पंडित लाचार रे हमें प्यारा लगत है, मूरख पंडित लाचार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है। शक्ति और मुक्ति उद्धार रे हमें प्यारा लगत है, शक्ति और मुक्ति उद्धार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार 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 रे हमें प्यारा लगत है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा दरबार हमें प्यारा लगता है, हमें प्यारा लगता है, तेरी शिक्षा हमें प्यारी लगती है, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में चंगाई है, आपका वचन दुधारी तलवार है, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, 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 हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए
जबकि आपने हमारी अगुवाई की है इस प्रार्थना में, इस स्तुति आराधना में हमें सामर्थ्य दिया है, हमें स्पर्श किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में हमारी अगुवाई कीजिए, अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के सभी कार्यों के द्वारा तेरी महिमा हो जाए, मेरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथों को जोड़े, इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। आसमानी बाप, जिंदे खुदा, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। हृदयों की थाह लेने वाले प्रभु, हमारा हर एक काम का जिसे आज हम करने वाले तेरी महिमा के लिए हो जाए। जितने भी लोगों ने इस स्तुति में भाग लिया है प्रभु, उन्हें स्पर्श कर दे। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदय पर छिड़कते हैं। अपने पवित्र लहू के द्वारा इन सारी आत्माओं का अभिषेक कर दे। इनके परिवारों में प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इनके जीवन में प्रभु यीशु, तू इनका दीपक बनकर मार्गदर्शन कर। नवयुवक युवतियों को अपनी ओर आकर्षित कर। माता पिता पर तेरा आशीर्वाद उतरे, बुजुर्गों के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। जो चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु, तेरे वचन के सामर्थ्य से इस वक्त चंगे हो जाएं। तेरा सत्य का आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद। सारी ताकतों, आशीषों, बरकतों के लिए प्रभु धन्यवाद। तूने हमें सामर्थ्य दिया जिससे हम तेरी महिमा कर पाए, इन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगी है, उन्हें उनके जीवन में इस वक्त चंगाई प्रदान कर। जहां कहीं भी दूर दराज में, देशों विदेशों में जिन्हें तेरी सहायता की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें स्पर्श कर। तेरे वचन के सामर्थ्य से वो चंगे हो जाएं, तेरे पवित्र लहू से प्रभु चंगे हो जाएं। तेरे पवित्र लहू का अभिषेक इनके घरों, परिवारों, आत्माओं, हृदयों पर हो जाए। ये प्रार्थना सुन हे पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने एकलौते पुत्र के नाम पर, आमीन, आमीन।